हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका तैयारी वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में भूगोल, और भूगोल में पढ़ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान। आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वायु राशि के बारे में, एयर मास के बारे में। दोस्तों, ये वायु राशि जो टॉपिक है, ये दो तरीके से महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला, ये एग्जाम की दृष्टि से देखें कि एग्जाम में इससे खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट इससे ना कहके इससे इसके जो प्रभाव है वायरस सीखने के बाद। आप मौसम के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, मौसम में कैसे परिवर्तन होता है। जैसे आपने वातावरण के बारे में सुना होगा, चक्रवातों के बारे में सुना होगा, चक्रवात में भी शीतोष्ण चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये सब कैसे बनते हैं और इन सब के बनने में वायु राशि का क्या योगदान होता है, इन सब के बारे में आज हम सीखने पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और एक चीज के बारे में हम बात कर लें। पिछले कुछ दिन पहले हमने एक चर्चा किया था आप लोगों से कि आने वाले समय में हम एमसीक्यू लेकर आ रहे हैं आप लोगों के बीच में। तो आज मैं अनाउंस कर देता हूँ, सैटरडे को यानी आने वाले सैटरडे को हम लोग एमसीक्यू करेंगे और लाइव करेंगे। टाइमिंग आपको बता दे रहे हैं, सुबह में 8 बजे से करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम नोटिस आपको टेलीग्राम पर भी भेज देंगे, बाकी हम शेड्यूल लगा देंगे, आप लोगों को पता लग जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं हम वायरस के बारे में। पिछले कुछ दिनों हमने कुछ टॉपिक को सीखा था, थोड़ा सा अप्लाई करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमने टेम्परेचर के बारे में खूब बेहतरीन सीखा है, ह्यूमिडिटी के बारे में खूब बढ़िया से सीखा है। अब जब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को सीखा है, इसके बाद क्या सीखा था, प्रेसिपिटेशन भी सीख ही लिया है। प्रेसिपिटेशन भैया, जब हम ताप के बारे में पढ़ लिए, दाब के बारे में पढ़ लिए, आर्द्रता के बारे में पढ़ लिए, वर्षण के बारे में पढ़ लिए, तो अब मौसम के डिस्टरबेंस के बारे में पढ़ने की बारी आती है। हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं वायु राशि से। सबसे पहले बात कर लेते हैं वायु राशि होती क्या है, है ना। वायु राशि होती क्या है, देखिए वायुमंडल में एक विस्तृत भाग यानी वायु का एक विस्तृत पुंज होता है, उसमें ऐसी कंडीशन बने कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी यानी तापमान और आर्द्रता संबंधी विशेषताएं अगर लगभग सर्वत्र समान हो, बराबर हो, तो ऐसी कंडीशन में उसे कहते हैं वायु राशि, एयर मास। फिर से हम बात कर लेते हैं, वायुमंडल में वायु का एक विशाल पुंज, जैसे अगर मान लेते हैं ये आपका एटमॉस्फेयर है, ये वायु का एक विशाल पुंज है। अगर हम इसको क्षैतिज रूप से देखें, तो यहाँ पर जितनी भी परतें हम बना रहे हैं, इन परतों में लगभग तापमान और आर्द्रता की दशाएं लगभग लगभग सब में बराबर होंगी। हम कल्पना कर लेते हैं पूरे इस एरिया का टेम्परेचर टी है और ह्यूमिडिटी एच है। पूरे वायुमंडल का टेम्परेचर टी है, ह्यूमिडिटी एच है। भैया कंसंट्रेशन बना के आप लगे रहिए, इससे फायदा यह है, थोड़ा सा वक्त लग सकता है आपको सीखने में, लेकिन धैर्य बना के सीखते रहिए। देखिए जो जुड़ रहे हैं, कुछ लोगों की प्रवृत्ति तो ये है कि चाह रहे हैं कम समय में कितना ज्यादा सीख लें, अच्छी बात है, आराम आराम से सीखिए और बहुत सारी चीजें सीखिए। और कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उनके लिए तो कोई उपाय नहीं है, जिसको पढ़ना है वो तो टिकेंगे ही, क्योंकि सीखना है तो समय तो देना ही पड़ेगा। हम बात करने वाले हैं टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की, वायु राशि के बारे में बात कर रहे हैं। हम मान लिए पूरे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर टी, ह्यूमिडिटी एच है, तो यहाँ पे वायु राशि की संकल्पना के सिद्धांत के बारे में बात करें, तो वायु राशि की संकल्पना में क्या कहा गया कि वायु राशि की, वायु की एक विशाल मात्रा जिसमें लगभग क्षैतिज रूप से लगभग तापमान और आर्द्रता संबंधी विशेषताएं सर्वत्र समान होती है। सर्वत्र समान होने का मतलब, जैसे ये वायु का एक विशाल पुंज हमने अज्यूम कर लिया है, मान लिया है, मान लेते हैं इस सरफेस में अगर ये एक क्षैतिज भाग हमने निकाला, इसमें मान लेते हैं टेम्परेचर T1 है और ह्यूमिडिटी क्या है, H1। समझने की कोशिश करिएगा, अभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर टेम्परेचर T2 मान ले रहे हैं और आर्द्रता क्या है, H2। यहाँ पर T3 मान ले रहे हैं, आर्द्रता क्या होगा, H3। यहाँ पर T4, आर्द्रता H4। अब यहाँ पे हम बताना क्या चाह रहे हैं, परिभाषा में आपने यही पढ़ा कि तापमान और आर्द्रता संबंधी विशेषताएं लगभग सर्वत्र समान होती हैं। अब सर्वत्र समान होने का मतलब, ये तो पूरा एनवायरनमेंट है, इसमें हमने एक कुछ क्षैतिज परतों को विभाजित किया है। अब क्षैतिज परतों को देखेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, इसमें T2 है, T3 है, तो यहाँ पे वायु राशि ये कब कही जाएगी, जब कंडीशन ये बनेगी T1 लगभग बराबर होगा T2 के, T2 लगभग बराबर होगा T3 के। कहने का मतलब, इसमें जितने भी क्षैतिज परत हमने बनाया है, इन परतों में
सभी का तापमान लगभग बराबर होगा। हम एग्जैक्ट बराबर की बात नहीं कर रहे हैं, लगभग बराबर होगा। ऐसे ह्यूमिडिटी के बारे में बात कर लें, आर्द्रता के बारे में वही कंडीशन होगी, H1 लगभग बराबर होगा H2 के, यह लगभग बराबर होगा H3 के। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होगी इसे हम कहेंगे वायु राशि। आई थिंक बात क्लियर हो गया, डेफिनेशन आपको समझ लेना, परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछेगा। देखिए परीक्षा में पूछता वायु राशि, वायु राशि से संबंधित प्रश्न जो पूछता है उसमें यह पूछता है कि वायु राशि के बनने के लिए आवश्यक दशाओं के बारे में। आवश्यक दशाओं की बात करें, किस सरफेस पे वायु राशि बनती है, इसके लिए क्या क्या कंडीशंस होनी आवश्यक है, इन्हीं के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। डेफिनेशन आपने देख ही लिया है, वायु राशि का वायुमंडल का विस्तृत भाग जिसमें क्षैतिज रूप में, ये ध्यान रहे क्षैतिज रूप में। जब कथन और कारण वाले प्रश्न आते हैं, कथन और कारण वाले प्रश्नों में यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए क्षैतिज की जगह लंबवत रूप दे देगा। तो आप ये कंसेप्ट मन में बैठाए रहेगा, जब हम वायु राशि की बात करें जैसे एक कोई विशाल पुंज है, ऐसे यहाँ पे क्षैतिज रूप से जो भी आप परतें डिसाइड करेंगे उसमें T1, T2, T3, T4 जितने भी टेम्परेचर ऊपर से नीचे तक या नीचे से ऊपर तक आप करेंगे वो लगभग एक दूसरे के समान होंगे। इसी तरह से आर्द्रता भी नीचे से ऊपर तक जितनी भी परत आप डिसाइड करेंगे लगभग समान होगी, इसी को कहेंगे वायु राशि। अब वायु राशि के बनने के लिए आवश्यक दशाओं के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वायु राशि के बनने के लिए दशाओं के बारे में हमें बात करना है, इसके लिए कुछ आवश्यक दशाएं हैं। पहली दशा है क्या, समदैशिक सतह होना चाहिए और दूसरा पवन का प्रवाह नगण्य होना चाहिए। हम इसके बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा एक मिनट के लिए हम पीछे आपको ले चलते हैं। यदि वायु राशि के ऊर्ध्वाधर विस्तार के कई क्षैतिज परतों में बांटकर देखें तो सभी परतों में तापमान और आर्द्रता संबंधी आर्द्रता लगभग समान होती, इसके बारे में हमने बात कर लिया। इससे एक चीज निष्कर्ष निकलता है, आप यहां से समझिएगा, जैसे हमने यही स्ट्रक्चर बनाया था, यहाँ पर यह परत बनी, ये परत बनी, ये परत बनी, यहाँ पर देखा था आपने इसका 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 लगभग टेम्परेचर लगभग लगभग समान है और आर्द्रता भी लगभग लगभग समान है। तो इससे मौसम संबंधी प्रभाव के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो आपको एक चीज तो समझ में आ रहा होगा कि वायु राशि यहाँ पे बन गई है। अब वायु राशि जब बन गई है तो बनने के बाद वायु राशि की एक विशेषता होती है कि वायु राशि जब एक बार बन जाती है, बनने के बाद ये अपने स्थान पर स्थायी नहीं रह जाती। एक उदाहरण से समझिएगा कैसे। आप मुखर्जी नगर में बैठ के तैयारी कर रहे होंगे, पटना में कर रहे होंगे, इलाहाबाद, लखनऊ, कहीं पर तैयारी कर रहे होंगे, आप सिलेक्शन ले लेंगे, सिलेक्शन लेने के बाद वहीं तो नहीं रहेंगे, ठीक है। सिलेक्शन लेने के बाद क्या करेंगे, जहां पे आपकी पोस्ट होंगी जाएंगे। यही प्रक्रिया होती है वायु राशि की। वायु राशि एक बार जब बन गई, बनने के लिए जो भी उसकी आवश्यक दशाएं हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब एक बार वायु राशि बन गई तो वह अपनी जगह पर स्थिर नहीं रहती। स्थिर नहीं रहेगी क्या होगी, स्थिर नहीं रहेगी तो वह एक दूसरी जगह पर मूवमेंट करना चाहेगी, और जब मूवमेंट करना चाहेगी तो क्या होगा, मौसम संबंधी परिवर्तन होगा। यही इसका मूल तथ्य है, यही इसका मूल कारण है पढ़ने का, समझिएगा। जैसे यहाँ पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की बात हो रही है, अब तक आपने जितनी कहानियां सीखा है सब तापमान और आर्द्रता के इर्द गिर्द घूम रही थी। जैसे तापमान बढ़ेगा तो आर्द्रता की बात कर ले, निरपेक्ष और सापेक्ष पढ़ा है, सापेक्ष आर्द्रता घटेगी, घटेगी। जब तापमान बढ़ेगा तो सापेक्ष आर्द्रता घटेगी, तापमान घटेगा सापेक्ष आर्द्रता बढ़ेगी, कंफ्यूजन में मत पड़िएगा। टेम्परेचर यानी नीचे से ऊपर जाने पर घटता है तो आर्द्रता क्या होती है, बढ़ती है, रिलेटिव बढ़ती है। तो इसी के आधार पर देखते हैं मौसम में क्या डिफरेंसेस होता है, उसके बारे में बात कर ले रहे हैं। इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम बात करें, आवश्यक शर्तें क्या है, समदैशिक सतह होना चाहिए। समदैशिक सतह का मतलब जिस सरफस पे वायरस बन रही है उसका सतह समान होना चाहिए, लगभग समतल होना चाहिए, ऊबड़ खाबड़ नहीं। जैसे यहाँ पे पहाड़ी हो गया, यहाँ पे जल राशि हो गई, यहाँ पे मैदान हो गया, ऐसी कंडीशन में वायु राशियों का विकास नहीं होता है। यानी वायु राशियों के विकास होने के लिए यह आवश्यक दशा नहीं है, इसको डिस्टर्ब करेगी, क्यों करेगी आप समझिएगा। जैसे ये मैदान का भाग है, और अगर हम मान लें थोड़ी देर के लिए यह कोई एक जलीय भाग है। समदैशिक सतह का मतलब यही होता है, देखिए जलीय भाग पर सूर्य तप की जो मात्रा पड़ेगी, इसके जो गर्म होने की दर होगी वो लगभग, जैसे एक बड़ा सा जलीय राशि है वो लगभग लगभग समान होगी। समान होने का मतलब क्यों, क्योंकि समान रूप से वो फैली हुई है, वहां पे सूर्य तप की मात्रा समान पड़ रही है, वो धीरे धीरे गर्म होगी या तेजी से गर्म होगी, लेकिन जो होने की प्रक्रिया होगी समान होगी।
अब कल्पना कीजिए, ये जलराशि है, यहां पर बीच में पहाड़ आ गया, जलराशि में पहाड़ है। अब ये पूरी सतह की हम बात कर रहे हैं, यहां पे जलराशि है और इस जलराशि में पहाड़ है। अब ये पहाड़ वाला भाग ज्यादा गर्म हो जाएगा, जल्दी से गर्म होगा, क्योंकि स्थल भाग की गर्म होने की प्रक्रिया तेज होती है, वह तेजी से गर्म होता है, और जलीय भाग क्या होता है, वो धीरे धीरे गर्म होता है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब यह तेजी से गर्म हो जाएगा तो यहां पर वायुदाब की मात्रा कम हो जाएगी। जब वायुदाब की मात्रा कम हो जाएगी तो यहां से चूंकि वायुदाब ज्यादा है तो यह ज्यादा से कम की तरफ भागेगा, कंडीशन बनेगा ये। तो ऐसा नहीं होना, मौसम शांत रखना है। कैसे रखना, आप समझ गए होंगे, समदैशिक सतह का मतलब यही है। अगर पूरे पूरा यह जलीय भाग होगा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यह एक समान तरीके से गर्म होगा या ठंडा होगा। जब एक समान तरीके से गर्म या ठंडा होगा तो कहने का मतलब इसके संपर्क में जो आने वाली वायु है वो भी समान तरीके से गर्म, तो समान तरीके से गर्म होगी। अब आपको पता है तापमान और आर्द्रता में एक संबंध होता है, उस संबंध के आधार पर देखें तो उसी आधार पर यह भी जो गर्म होने की प्रक्रिया है उसके ऊपर की राशि वायु राशि वो भी समान रूप से गर्म होगी, समान रूप से उसकी आर्द्रता भी वितरित होगी। बात क्लियर है। ऐसे स्थल भाग की बात कर ले, चूंकि स्थल भाग तेजी से गर्म होगा, अब भैया तेजी से गर्म होगा तो पूरी एरिया तेजी से गर्म होगा, कहने का मतलब तापमान ज्यादा होगा, तो इसके संपर्क में जो आने वाली वायु है उसमें भी तापमान की मात्रा लगभग समान होगी। जब तापमान समान है तो आर्द्रता भी लगभग लगभग उसी तरीके से होगी। इसी प्रक्रिया के थ्रू बनता है कि आपकी वायु राशियां। आई थिंक बात क्लियर हो गया होगा आपको। जो दूसरा इसका आवश्यक शर्त है, क्या, पवन का प्रवाह नगण्य होना या न होना। देखिए पवन का प्रवाह नगण्य होने का मतलब मौसम एकदम शांत होना चाहिए। अगर पवन का प्रवाह होगा तो उससे नुकसान क्या है, आप समझिएगा। जैसे इसको मिटा के यहीं पे बना दे। पवन का प्रवाह नगण्य होने का मतलब पवन का प्रवाह हो सकता है लेकिन कंडीशन क्या है, एक होता अभिसरण और एक होता अपसरण। थोड़ा सा इस शब्द को आप समझिएगा, अभिसरण और दूसरा होता अपसरण। अभिसरण का मतलब, यानी इंग्लिश में से कन्वर्जन कहते हैं इसे, डाइवर्जन कहते हैं, कन्वर्ज करना चाहिए। कंडीशन अगर बाहर से, जैसे हवा यहां पे आ रही है, बाहर से यहां पे आ रही हवाएं तो क्या होगी, जब कोई भी हवा बाहर से आ रही है तो अपने साथ ये गुण देकर आएगी, वो ठंडी होगी या गर्म होगी। जब बाहर से आएगी तो यहां पर सपोज वायु राशि का बनना है, यहां से जो हवाएं आ रही इसकी इसको प्रभावित करेंगी, यानी इसके तापमान को घटा सकती है या बढ़ा सकती है, पवन का प्रवाह जब होगा तो। अगर पवन का प्रवाह नहीं है तो इस सरफेस पे वायु राशि बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे वायु राशि का बनना है, यहाँ पे गर्म टेम्परेचर वाली हवाएं आ गई तो क्या होगी, उसको डिस्टर्ब कर देंगी, वायु राशि नहीं बनना चाहिए। यानी अगर वायु राशि बनने के लिए पवन का प्रवाह नगर तो होना चाहिए, अगर पवन का प्रवाह हो भी रहा है तो ऐसे कंडीशन में वह अभिसरण टाइप का होगी, न कि अपसरण टाइप का, यानी वह कन्वर्ज करने वाली नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या होती है, डाइवर्ज, यानी यहां से बाहर जाएंगे तो चलेगा। अगर यहां से हवाएं इस एरिया से, इस एरिया का मतलब जहां पे वायु राशि बन रहा है उस एरिया से हवाएं अगर बाहर जा रही हैं तो ठीक है, तब बात बन सकती है, तब वायु राशि विकसित हो सकता है। लेकिन अगर बाहर से कहीं हवाएं उस जगह पे आ रही है तो वायु राशि का विकास नहीं होगा। आई थिंक बात क्लियर हो गया, क्लियर है, समझ गए हो, तो आगे चले हम। तो प्रश्न में खूब पूछा जाता है वायुराज के बनने के लिए आवश्यक शर्तों के बारे में, निम्नलिखित में से वायुराज के बनने के लिए आवश्यक शर्त कौन सी है, खूब पूछा गया भर भर के। समदैशिक सतह, पवन का प्रवाह नगण्य होना। कई बार जो कई विकल्प वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे निम्नलिखित में से कौन कौन से वायुराज के बनने के लिए आवश्यक दशाएं हैं, तो पहली दशा समदैशिक सतह, पवन प्रवाह का नगण्य होना या न होना। दूसरा कह सकता है उसमें अभिसरण प्रकार की पवन प्रवाह होना या अपसरण प्रकार का, तो आप समझ ही रहे हैं अभिसरण अपसरण का मतलब। ये देखिए अगर यहां से बाहर जा रही है इसे क्या कहेंगे, अपसरण, क्या करेंगे भैया, अपसरण कहेंगे। अपसरण का मतलब फैलना होता है, उस जगह से बाहर जा रही है तो ये कहेंगे अपसरण। अगर अपसरण प्रकार की हवाएं चल रही है, पवने चल रही है, तो ऐसे में वायु राशि विकसित होगा, और अगर अभिसरण प्रकार की चल रही है तो वायु राशि विकसित नहीं होगा। लिख दे रहे हैं, अगर अभिसरण प्रकार की हवा चल रही है तो वायु राशि का विकास नहीं होगा। आई थिंक बात इतनी क्लियर हो गई होगी, आगे बढ़ते हैं। तो आपको इतना ही पढ़ना था, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम बात करें
थोड़ी सी हम वायरसियों के बारे में और बात कर लेते हैं। अभी हमने एक चीज आपको बताया था कि वायरसियां जब विकसित होती हैं, वायरसियां जब विकसित होती है वो मौसम को प्रभावित करती है। कैसे? देखिए, जैसे इस एरिया पे वायुराज का विकास हुआ है, हम इस वायुराज के जो तापमान की और आर्द्रता का कैलकुलेशन करते हैं वो कैसे करते हैं? देखिए, क्षैतिज तौर पर जब देखा, क्षैतिज तौर पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लगभग लगभग समान रही। हमें देखना क्या, लंबवत। क्या देखना है? लंबवत। खूब ध्यान से समझिएगा, ये मौसम को कैसे प्रभावित करता है ये समझना है। अगर वायुराशि आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो वाताग्र को समझना मुश्किल होगा, चक्रवात को समझना मुश्किल होगा। देखते हैं वायुराशि में तापमान के लंबवत वितरण, लंबवत वितरण की प्रवृत्ति के आधार पर स्थिर वायुराशि और अस्थिर वायुराशि की हम कैलकुलेशन करते हैं। कैसे करते हैं समझिए। देखिए, लंबवत वितरण का मतलब ये जो सतह है, इस सतह से हम ऊपर जाते हैं। आप कैसे कहेंगे कि यह वायुराशि गर्म है या कैसे कहेंगे ठंडी, हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, अगर सतह के तापमान, मान लीजिए सरफेस है आपका, अर्थ सरफेस ही है, इस सतह के तापमान से, ये पहली परत है वायुराशि की, यहां पर टेम्परेचर की बात करें, अगर तापमान इसका कम होगा, अगर इस सतह के ऊपर तापमान कम होगा तो क्या कहेंगे इसको? इसे कहेंगे ठंडी वायुराशि। हम तुलना किससे करते हैं? निचली परत से, यानी धरातली सतह से। अगर ऊपर वायु का तापमान कम है तो क्या कहेंगे? अगर यह तापमान कम है तो क्या कहेंगे? इसे कहेंगे ठंडी वायुराशि। बात क्लियर? यही इसका अपोजिट देख लेते हैं। अगर किसी सतह पर निचली सतह की तुलना, किसी वायुराशि में निचली सतह की तुलना में ऊपरी सतह का तापमान ज्यादा है तो उसे क्या कहेंगे? गर्म वायुराशि। बात को आप समझिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, समझिएगा। ये सरफेस है, तुलना आप कहां से कर रहे हैं? इसी सतह से। अगर इस सतह का तापमान ज्यादा है, आप ऐसे समझ लीजिए, अगर इसका तापमान ज्यादा है, जाहिर सी बात है जब इसका ज्यादा होगा तो ऊपर वाले का क्या होगा? कम होगा। जब ऊपर वाले का कम होगा तो यह क्या होगा? ठंडा। जब ठंडा होगा तो इसी को क्या कहेंगे हम? ठंडी वायरस। बात क्लियर है? आगे चले, आगे बढ़े, ठीक है। ठंडी वायरस की विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं। वायरस का तापमान उसकी निचली सतह के तापमान से अगर कम होगा तो उसे क्या कहेंगे हम? ठंडी वायरस। बात समझ गए। गर्म वायरस के बारे में निचली सतह से तुलना किया गया, अगर निचली सतह से अधिक है तो उसे क्या कहेंगे? गर्म वायरस। यानी हमेशा कंपेयर करना है कहां से? सरफेस से। अगर सतह के तापमान से कम है तो ठंडी, और सतह के तापमान से ज्यादा है तो क्या होगा? गर्म। अब विशेषता के बारे में बात करते हैं, मौसम पर क्या प्रभाव होता है। देखिए, ठंडी वायरसियां स्ट्रांग होती है, ठंडी वायरस ज्यादा मजबूत होती है। लेकिन अगर मौसम के हम प्रभाव की बात करें, ठंडी वायरसियां नीचे, चूंकि गर्म होने की प्रक्रिया नीचे से ऊपर की ओर होती है, इसलिए ठंडी वायरसियां देर से गर्म होती है। ऐसी कंडीशन में मौसम का प्रभाव में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, मौसम शांत रहता है। लेकिन अगर गर्म वायरसियां बनती हैं तो ऐसी कंडीशन में डिस्टर्बेंस होता है, वर्षा वर्षण की संभावना ज्यादा बढ़ती है, तूफानों की संभावना ज्यादा बनती है, ठीक है। वायरसियों के वर्गीकरण की हम बात कर लेते हैं, इसको दो प्रकार से बांटते हैं। पहला यह है आपका पोलर, और दूसरा है क्या? ट्रॉपिकल। आप समझिएगा, हिंदी में भी बताना जरूरी है, बता दे रहे हैं। इसको ध्रुवीय कहेंगे, इसको उष्णकटिबंधीय कहेंगे, उष्णकटिबंधीय, और इसे कहेंगे ध्रुवीय। अब देखिए, जब पोलर और ट्रॉपिकल की बात कर रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाना है यहाँ पे, पोलर और ट्रॉपिकल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पोलर को भी हम दो प्रकार से बांट के पढ़ते हैं। कैसे बांट के पढ़ते हैं? देखिए, पोलर की बात करेंगे और ट्रॉपिकल की बात करेंगे तो इसको भी दो प्रकार से बांट के पढ़ते हैं। देखिए, थोड़ा मोटे तौर पर समझिएगा, ट्रॉपिकल के बाद उष्णकटिबंधीय की हम बात कर रहे हैं। उष्णकटिबंधीय में आप देखेंगे दो चीजें मिलेगा आपको, कॉन्टिनेंट भी मिलेगा यानी महाद्वीप भी मिलेगा, और मरीन भी मिलेगा, महासागर भी मिलेगा। यानी कॉन्टिनेंटल, इसको बांटेंगे कॉन्टिनेंटल में भी, कॉन्टिनेंटल और मरीन में भी। बात समझ गए? कॉन्टिनेंटल का मतलब महाद्वीपी और महासागरी, इस पे बांटेंगे। अब यही प्रक्रिया इस पे भी अप्लाई करेंगे, किस पे? पोलर पर। पोलर को भी कॉन्टिनेंटल और मरीन में बांटेंगे।
इसके बाद अगर हम कॉन्टिनेंटल को उठा लेते हैं, यहां से कॉन्टिनेंटल को उठा लिए, कॉन्टिनेंटल का मतलब महाद्वीपी को, तो महाद्वीपों में भी दो चीजें मिलेंगी आपको, एक कोल्ड मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, एक कोल्ड मिलेगा दूसरा वार्म मिलेगा। यहां पे ठंडी और गर्म मिलेंगी, ठंडी और गर्म को भी उठाएंगे तो उसमें एक अस्थाई मिलेगा और एक अस्थाई मिलेगा, कहने का मतलब है कि स्टेबल होगा एक अनस्टेबल होगा। इस प्रकार से वायु राशियों का वर्गीकरण किया जाता है, विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की वायु राशियां बनती है। आप समझ गए, पहले हम डिवाइजन करेंगे किसमें, पोलर और ट्रॉपिकल में, पोलर और ट्रॉपिकल को फिर कॉन्टिनेंटल और मरीन में, कॉन्टिनेंटल और मरीन को फिर हम डिवाइड करेंगे किसमें, कोल्ड और वार्म में, कोल्ड और वार्म को फिर हम डिवाइड करेंगे किसमें, स्टेबल और अनस्टेबल में। इस प्रकार के वायु राशियों का वर्गीकरण खत्म होता है। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में सारी आ गई होगी। आपने सीखा क्या वायु राशि के डिफिनेशन, वायु राशि क्या होती है, वायुमंडल में वायुमंडल का एक विशाल कोण जिसमें तापमान और आर्द्रता संबंधी विशेषताएं लगभग सर्वत्र समान होती है, हम कहते हैं उसको वायु राशि। वायु राशि के लिए आवश्यक कारणों के बारे में आपने सीखा, वायु राशि के बनने के लिए आवश्यक जो शर्तें हैं, समदैशी सतह होना चाहिए यानी सतह समान होना चाहिए। सतह समान की बात करें तो मैदानी भाग में वायु राशि ज्यादा बनेगा, और कहाँ बनेगा, महासागरी, क्योंकि महासागरी और मैदानी भागों में ही समदैशी सतह बनने की संभावना ज्यादा होगी, पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी बनने की संभावना बिल्कुल कम होती है, या न के बराबर कह सकते। दूसरा कारण आपने सीखा क्या, दूसरा कारण यह सीखा आपने कि यहाँ पर जो वायु का प्रवाह लगभग नगण्य होना चाहिए या न के बराबर होना चाहिए, अगर हो भी रहा है तो वहां से वायु दूर जा रही है यानी अपसरण हो रही है, फैलनी चाहिए बल्कि कहीं और से नहीं आनी चाहिए, यह सीखा, वर्गीकरण के बारे में सीखा। इसी के साथ ये टॉपिक होता है खत्म। ठीक है, अगली कक्षा में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, अगली कक्षा में पढ़ने वाले हैं फ्रंट के बारे में, ठीक है, वाताग्र के बारे में, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए गुड बाय।